हे दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल withDM में। दोस्तों यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ ही रिव्यू भी देंगे यहाँ पे Lenovo CPU M700 का। तो दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, i5 6th generation है और 8GB और 500GB हार्ड डिस्क के साथ में विंडोज 10 प्लस MS ऑफिस लाइसेंस वर्जन देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अनबॉक्सिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे केबल दिखाई देते हैं, VGA केबल प्लस यहाँ पे पावर केबल। तो दोस्तों ये केबल, दो केबल हमें मिलते हैं बॉक्स में, साथ ही ये CPU है, तो इसे हम ये खोल के अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप अमेजन की पैकिंग है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको ये सील लगी हुई होना चाहिए, कोई सा भी प्रोडक्ट हो तभी उसे ले, ये सील टूटी हुई तो आप उसे ना ले। तो दोस्तों यहाँ पे हम उसे ओपन करके भी देखेंगे, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट लगे उसे भी हम देखेंगे। तो दोस्तों इसे हम फटाफट निकाल लेते हैं, पूरा वीडियो देखें। दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग करके भी बताने वाला हूँ कैसा इसका रेंडरिंग टाइम है, कैसे एडिटिंग है और साथ ही इसके क्या परफॉर्मेंस है, बूटिंग टाइम क्या है, ये पूरी डिटेल देने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप बने रहिए चैनल पे, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देख सकते हैं यहाँ पे पावर बटन है सबसे ऊपर दिया हुआ है, उसके नीचे हमें USB प्लस माइक और हेडफोन जैक और साथ ही USB। तो फ्रंट में ये चार चीज़ें मिलती है, माइक, हेडफोन और दो USB। दोस्तों इसके साथ ही आपको बहुत ही अच्छा लुक दिखेगा, थिंक सेंटर लिखा हुआ, और यहाँ पे साथ ही हमें वारंटी कार्ड मिलता है जो कि सेलर की तरफ से होता ही है, 6 महीने की वारंटी कार्ड होता है। दोस्तों यहाँ पे 6 मंथ का वारंटी मिलेगा। पीछे देखोगे तो आपको सभी आपके ज़रूरत के पोर्ट मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये जो CPU, इसमें आपके जो ज़रूरत के सभी पोर्ट मिलेंगे, जैसे HDMI हो गए, पीछे 4 USB पोर्ट मिल जाएंगे और ऑडियो जैक वगैरह सभी आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई डोंगल जो कि इनबिल्ट लगा हुआ है इसमें, तो हमें जो सेलर ने दिया है तो सेलर को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा वाईफाई लिखा हुआ नहीं था फिर भी हमें मिला डोंगल, तो थैंक यू सेलर। इसके बाद रिनोवेट, तो दोस्तों रिनोवेट प्रोडक्ट है, यानी कि ये यूज़ किया हुआ CPU है, ब्रांडेड है Lenovo का आप देख सकते हो, और यहाँ पर M700 यहाँ पर मॉडल नाम वगैरह दिया हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही शानदार इसकी क्वालिटी है, पुराना है लेकिन अभी भी नया कि नया है। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या है, जो मेन चीज़ है वो परफॉर्मेंस है, तो हम परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। अब हमें इसे देखते हैं, ये कंपोनेंट इसे निकालते हैं हम ऊपर से और हम देखेंगे यहाँ पे क्या इसका जो अंदर के कंपोनेंट सही है, इसकी क्या हालत है अंदर की, मदरबोर्ड वगैरह तो देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई है, सभी चीज़ें नया लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश है, तो कोई कंपोनेंट ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा। मदरबोर्ड देख सकते हैं आप Lenovo का ही लगा हुआ है और अच्छा है, अंदर से ऐसा कोई ज़्यादा डैमेज या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फैन वगैरह अच्छा लगा हुआ है, सभी चीज़ें तो देखने में तो दोस्तों बहुत शानदार लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सेकंड हैंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो SMPS है जो 80+ ब्रॉन्ज है। दोस्तों 80+ ब्रॉन्ज मतलब ये बहुत शानदार वाले होते हैं, इनकी रेटिंग आप भी जब भी MPS लो तो 80+ ब्रॉन्ज ही खरीदना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ का, इसका जो मदरबोर्ड वो भी क्वालिटी वगैरह जो सब चीज़ें वो अच्छी है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि सेकंड हैंड है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, बहुत ही नए है। रैम के लिए 2 स्लॉट दिए हुए हैं इसमें, वाईफाई डोंगल हमने पीछे लगा दिया है जो कि लगा हुआ ही था, और साथ ही मदरबोर्ड आपको Lenovo का ही देखने को मिलेगा। हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 500GB हार्ड डिस्क मिलती है। तो दोस्तों ये जो ब्रांडेड PC होते हैं उसमें ब्रांडेड चीज़ें भी लगी हुई होती है या फिर उसी कंपनी की चीज़ें लगी हुई है, तो इनकी सर्विस वगैरह अच्छी होती है, तो आप जब भी देखो तो अच्छी चीज़ें देख लिया करो। दोस्तों यहाँ पे सैमसंग का कर्व 24 इंच का LED मोनिटर जो कि अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, हमने ये परचेस अभी किया है तो इसका भी अनबॉक्सिंग बनाया हुआ है। ये LED मॉनिटर इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा हुआ है, तो आप अनबॉक्सिंग देख सकते हो। अभी मैं इसको बूट करूँगा, इसे मैं चालू करता हूँ और कितने टाइम में चालू हो जाता है, इसका परफॉर्मेंस दोस्तों देखने में कितना भी अच्छा हो, प्रोडक्ट अंदर कितना अच्छे कंपोनेंट दिखाई दे रहे, नए दिखाई दे रहे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परफॉर्मेंस। तो इसे हम चालू करते हैं और यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा दूंगा, मैं नोट करूंगा कितना टाइम आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने स्टॉपवॉच इसे चालू कर लिया है, तो यहाँ पे Lenovo देखिए बूट हो रहा है। तो दोस्तों इसकी बूटिंग टाइम कितनी है पूरी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे इसकी थोड़ा सा वीडियो कर देता हूँ क्योंकि ये बूट होने में टाइम लग रहा, हो सकता है पहली बार चालू हो रहा है इसलिए इतना टाइम ले रहा हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो टाइम है वो मैं आपको काउंट करके बता दूंगा, यहाँ पर चल रहा हमारे स्टॉपवॉच में कितना टाइम लगता है। दोस्तों वीडियो एडिटिंग करके भी बताने वाला हूँ मैं, रेंडरिंग में कितना टाइम लगता है और वीडियो एडिटिंग किस टाइप की हो सकती है। आप खरीदना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए। 2 मिनट और
30 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट और 30 सेकंड हमें लगा। इसके साथ ही कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 8GB और विंडोज 10 प्रो है। जो प्रोग्राम है वहाँ पे हम देखेंगे तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम MS Office यहाँ पे इंस्टॉल है। तो दोस्तों एक ही प्रोग्राम इंस्टॉल है और 8GB रैम है, तो बूटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगा हमें। ठीक है, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी हम कर लेते हैं। दोस्तों ये मैंने केमिस्टिया में वीडियो एडिट किया, तो यही वाला वीडियो जो मैं है 1080p पे एडिट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे इसको हम देखेंगे कितना टाइम लगता है रेंडरिंग में, तो इससे हम टेस्ट करेंगे। दोस्तों हम रेंडरिंग का भी, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए हमने ये पीसी लिया तो कितना टाइम लगेगा। 1080p पे हमें MP4 में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका जो टाइम है आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मिनट और 21 सेकंड का और 30 FPS पे है। तो इसे स्टार्ट करते ये इसमें हमें कितना टाइम लगता है देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे रेंडरिंग हो रहा है, तो इसे मैं स्किप कर दूंगा। यहाँ पे टोटल टाइम मैं आपको बता दूंगा कितना टाइम लगा। तो दोस्तों रेंडरिंग में जो टाइम होता है वो आपको 20 मिनट और 500 MB का वीडियो, दोस्तों 5 MB का हमारा केवल वीडियो था, वो 20 मिनट लगा और 500 MB का एक्सपर्ट वीडियो हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या होता है दोस्तों, जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलना चाहिए। तो 8GB और 500GB हार्ड डिस्क है और i5 का 6th generation प्रोसेसर है इसमें। तो इसके बाद में हमें बूटिंग टाइम ज़्यादा लगा और जो वीडियो रेंडरिंग टाइम वो भी थोड़ा ज़्यादा है i5 6th generation के हिसाब से, मुझे ऐसा लगा। तो दोस्तों इसे अपग्रेड कर सकता हूँ मैं 16GB रैम के साथ में, तो इतना मुझे करना ही पड़ेगा। इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ है। दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमें गूगल पर भी सर्च कर सकते हो withDM.com पे दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। तो कभी आप चेक कीजिए हमारी वेबसाइट को, जहाँ बहुत सारे आर्टिकल आपके काम के हैं।